Oh man, ball dikh raha, dekh raha kaise? कैसे थूकता यार तुम? तुम लोग शावर क्यों करता है? तुम उतने जैसा नहीं कर सकता एक साथ पूरा अमाउंट? अरे थूकता है पूरा छुप करके। तेरे पीछे कोई आ रहा तेरे को मालूम है कि नहीं? तू कम्युनिकेटर में है, तू बोल थोड़ा स्लो कर ले, मैं थूकने वाला हूँ। ये वाला तू अमाउंट में फेंका, अमाउंट इज गोज डाउन डायरेक्टली, मोमेंटम होता है उसका, तू शावर कर देता है पूरा। देख के रास्ता कहाँ से जा रहा है, रास्ता आगे है कि नहीं पता नहीं। चल फिर इससे पूछ लेता हूँ। डबल डेकर रूट ब्रिज दिस साइड। ओके थैंक यू दादा। टीना लीडर ये कहाँ रास्ता है? मत जा नीचे। डबल डेकर ब्रिज इसी साइड है। डबल डेकर रूट ब्रिज, रूट ब्रिज दिस साइड आल्सो रोड है साला, दिखा में ऐसे साला बंद है जैसा दिखा में, खत्म है रोड जैसा। चल चल आगे से रोड है। अच्छा पानी गिरता है इधर से इसीलिए टूटा हुआ रोड। पूरा फुल ऑफ रोडिंग है भाई, पूरा एम्प्टी का एकदम, वीडियो बनेगा गजब का। भाई क्या क्या बस जा सकते हैं ना अपन, जा सकते हैं। इतना कमीना है ना सच में बे, क्या इतना में बे? अरे बहुत है बे, तू साला फोटो उठाने के लिए हम लोग आए क्या? तेरे को मालूम है ना एक घंटा लगेगा हमको वापस भी आना है, चढ़ना मुश्किल है। क्या पुणे का याद कैसे रहेगा बे चूतिया? तू यहाँ साला चेरापूंजी में पुणे का याद कैसे रहेगा?
तू मेरे पीछे क्यों लटकाया बोतल? क्योंकि ना ये छड़ी नहीं पकड़ पा रही, डिस बैलेंस होते को बोला तेरे को राइट साइड में छड़ी पकड़ना, क्योंकि राइट साइड में रेलिंग नहीं है। राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है? राइट ही लेना है, लेफ्ट कैसे लेगा? लेफ्ट तो प्लेटफॉर्म बना हुआ है। डर रहा है साला, डर हुआ नहीं तो। तू ये बोतल हटा यार, मेरा पैर में लग रहा है। और वो फिर से पानी भी भर लिया एकदम जोरदार। देख हम लोग कहाँ थे, देख अब वो वाटरफॉल कैसे दिख रहा है। देख वहां भी एक वाटरफॉल था भाई, कितना डाउन से आ रहा है वो। क्या वही वाला वाटरफॉल देखे क्या हम लोग? और क्या, वही वाला ही देख रहे लोग, कहाँ गांव बसाया हुआ है पूरा। और कहाँ तो रूट ब्रिज है पता नहीं भाई। हम मेरे को लग रहा है हम लोग नीचे वही ब्रिज जाएंगे, नीचे वाला ही ब्रिज जाएंगे। तो हम लोग वहां से देख रहे थे, ये देखा है ना वो लकड़ी का। हाँ मेरे को पता नहीं भाई। तार का ब्रिज है, तार का रोपवे है, रोपवे भी है। हाँ, रोपवे अब पकड़, तू पकड़। इलेक्ट्रिशियन पकड़े हुए थे। चलो पुल द रेल सर, आ जाओ। कैसे बहुत बड़ा है ना ये सीढ़ी, बहुत छोटा छोटा सा। कैसे उल्टा उल्टा वो कर रहा है तू? आराम से कर, आराम से। तू दो 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 सीढ़ी पे डंडा रख, वो हर एक पे मत रख, जस्ट ऐसा सपोर्ट टूल यूज कर। हाँ देख दो तीन में रख, सब कुछ ऐसे मतलब यूज कर पाएगा ना। आगे तो रेलिंग ही नहीं है आगे, लेकिन सीढ़ी सही है, सीढ़ी चलेगा। अच्छा डंडा पकड़ा है ना, जरा नीचे मत, हाँ ऊपर पैर का अरे भाई पैर का पूरा संभल के रखना पड़ रहा है मेरे को। तेरे को डंडा से पड़ेगा, तेरे को ही सबसे ज्यादा डबल डेकर देखना था। चल आराम भाई, इधर से ब्रिटिश लोग गया है। डबल डेकर लोकल लोग बनाया है क्या? नेचुरल बन गया है। तो बैठ बैठ के उतरो, सीढ़ी देखो दो। जो चढ़ने का तरीका है ना, ये थोड़ा मतलब उतरने का तरीका, ये पांव ऐसे खोल खोल करके कर रहा है क्योंकि सीढ़ी छोटा है ना भाई। अरे तो तुम नीचे नहीं देखो, तुम खाली सीढ़ी देखो। ये हैंड रेल दे दिया ना, ये सही किया है, साला नहीं दिया उधर दिक्कत। चढ़ने में भी भयंकर दिक्कत होगी, चढ़ने में दिक्कत नहीं होगा बिकॉज सामने देखोगे ना। अभी हमको यहाँ रेस्ट करना पड़ रहा है, ये बहुत ही स्टीप सीढ़ी है एकदम नीचे की तरफ। और मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही, अगर आप यंग हो और कुछ ज्यादा ही सिगरेट फूंकते हो तो बहुत प्रॉब्लम है, थक जाओगे। अभी हम नीचे चढ़ रहे, नीचे उतर रहे हैं, और सामान अपने साथ बिल्कुल कुछ मत लाना। तो हमको ये स्टिक मिला, बहुत ही हेल्पफुल है ये बैम्बू स्टिक्स। पेथा तो शिवरिंग कर रहा है उसका थाइज। और एज जिनका अराउंड 45 से ज्यादा हो गया ना, मुश्किल है उनके लिए। लेकिन ये अच्छा, अगर आप वेट में ज्यादा हो, आप लोग तो पहले ही देख के ही मना कर दोगे, टेंशन नहीं है। आप लोग आके देख के ही मना कर दोगे कि नहीं होगा। लेकिन ये एक अच्छा एडवेंचर है, अगर लाइफ एंजॉय करना चाहते हो नेचुरली, बिल्कुल तो एक अच्छा एडवेंचर है। आपको हिमालय की याद आएगी, ट्रेकिंग है। और डैम श्योर आप लोग 2000 कैलोरी तो बर्न कर ही लोगे। हाँ लगभग। और टॉयलेट पेट खराब हो तो नया है, नहीं तो उतर जाएगा। और अब भाईजान आपका गिर गया है वो पुड़िया। चलो पुड़िया पॉकेट में रख लेगा, ये पानी का बोतल मेरे को दे दिया है भैया, प्लास्टिक रख दिया खाली। चल आराम से, तू हम लोग का दोस्त है समझा ना, आराम से। एक घंटा भाई डिस्टेंस है पूरा नीचे,
सीढ़ी एक आदमी गिनो 3600 सीढ़ी है के नीचे जहाँ दिख रहा है ना रिवर देखो वहाँ जाना है। हाँ तो ये समझ ले चलो चलो इधर ही से साले। हाँ हम लोग को एक्चुअली कुछ खाने के लिए लेके आना, उधर नीचे मिलेगा सिटी है पूछा मैं। है? बैटरी चल रहा है? बैटरी एक गया, बंद कर देता हूँ। और क्या उतारने रहे तो फिर अच्छा व्यू देख लेते। कॉल करो भाई। कॉल कहाँ, मेरा मोबाइल उसी के पास है। मेरा है लेकिन नंबर नहीं। मेरे पे कॉल, मेरे से कॉल करो, मेरे पे कॉल करो। नेटवर्क आ रहा है? हाँ। अरे वाह, एयरटेल वाले पे करना 84। तुम जूता पहन के आए हो ना, अच्छा किए भाई। मेरे को थोड़ा क्रॉक्स में नी में थोड़ा पेन हो रहा है। निकाल लो, पैदल चलो। हाँ हाथ में ले लो। चलो चलो। वीडियो बना रहे हो? वीडियो चालू है भाई, वहाँ से ला भी। आधा घंटा बैठने से भी कुछ नहीं होगा, नहीं आ पाओगे आधे घंटे बाद। फिर हमको आते आते यहाँ कुछ लेके आना पड़ेगा खाने पीने का सामान, ताकि थोड़ा मनोरंजन करते हो जाएंगे। वो कुछ तो रिलैक्स फील हुआ भाई। पानी वगैरह है क्या कुछ? डबल ब्रिज, ब्रिज रूट ब्रिज और नीचे कितना घंटा? 30 minutes. How many steps? More? Step? I don't know. Decide what? House? Maintain. House? Maintain. 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 Maintenance. Bridge, bridge. Rope bridge, rope bridge. Route, route, route bridge. Water bottle? हाँ खाओ ना तमुल। आप लोग ऊपर कैसे जाता है दादा? दिल्ली जाएगा, दिल्ली दिल्ली। आप लोग ऊपर कैसे जाता है? हाउ यू गो अप? हाउ यू गो अप? यू गो अप। हाउ यू गो अप दिल्ली? नो अप अप। ऊपर कैसे जाता है? ऊपर सिटी 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 कैसे जाता? सिटी। हाउ यू गो सिटी? यू गो सिटी हाउ? Same, same. Steps, steps. No, then rope, rope. By chai piyo, pani piyo. How you go, city? Go up. Same. How you go up? Market, market. How you go market? Up market. Kaise jata? Market Cherrapunji. Cherrapunji. How you go? Malum nahi. Steps. वो भी स्टेप से ही जाता है भाई। पानी पीना। पानी है ना मेरे पास? चाय 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 ओके चाय। इसकी वो टी स्टॉल ही है क्या? ओके भाई, टू टी वन। तो गाइस अभी हम लोग कम से कम, नहीं तो मेरे को लग रहा है, तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है कितना स्टेप होगा? 1500 स्टेप। मेरे को लग रहा है ज्यादा होगा। पेदा तक हम लोग कम से कम 200-300 स्टेप चल लिए थे, जिसके बीच में ऑलमोस्ट 300 स्टेप बहुत ही खतरनाक है। हाँ 300 तो बहुत ही स्टीप था, और अभी आधा बाकी है। और अभी एक्चुअली हम रुके हैं, बीच में कुछ घर हैं और ये टी स्टॉल है। सो हम लोग अभी चाय और कुछ बिस्किट्स लेने वाले हैं, ताकि वी विल हैव सम रिफ्रेशमेंट, उसके बाद थोड़ा एनर्जी आए फिर नीचे जाएंगे। उसके बाद ऊपर कैसे आना है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। निहाल को रस्सी बंधवा दूंगा और मेरे को टान टान के लेके आएगा। लेकिन भी अगर आप तो इधर आ रहे हो तो यहाँ पे जरूर आइएगा। बिल्कुल, ये बहुत ही मस्त एडवेंचरस एकदम एक्सपीरियंस है, आई विल श्योरली रिकमेंड। बट अगर किसी का हेल्थ इश्यू है, किसी को हाइट से डर है, तो काइंडली आप थोड़ा अवॉइड करें। बट श्योरली एडवेंचर लोगों के लिए बहुत ही मस्त चीज़ है। प्लीज़ डू विजिट डबल डेकर रोड ब्रिज ऑफ चेरापुंजी।
अभी फिर से हम लोग ने अपना जर्नी स्टार्ट किया चाय पानी लेने के बाद। अब थोड़ा हम थोड़ा एनर्जेटिक हो चुके हैं, आई डोंट नो कब तक ये एनर्जी रहेगा अपने अंदर। आगे बोला गया हमको कि लेफ्ट लेफ्ट लेने के लिए। यहाँ पे कुल अराउंड 17 घर है ना, 17 घर है आसपास। ओके उधर से लेफ्ट। मेरे को लगता है ऊपर चढ़ते चढ़ते शाम हो जाएगा। हाँ पक्का। अब दो रास्ता है यार, अब किधर जाएं हम लोग। वी आर टेकिंग लेफ्ट। अगर कुछ होता है हमको, साइन बोर्ड भी नहीं है। मेरे को क्या लग रहा है, बाएं बोला था बुढ़ऊ। चलो ठीक है, बोला था ना, तुम सुना था ना। हाँ बोला तो था वो लेफ्ट, लेकिन मेरे को ठीक नहीं लग रहा आगे। चलो ना, रास्ता सही नहीं आगे। ठीक है, पत्ती गिरा तो उसको देख के हम भी आवाज सुनाई जल्दी जल्दी दे रहा है। मेरे को भी मन कर रहा है जल्दी जल्दी उतरूं मैं यार। हाँ ना, वही तो बोल रहा हूँ कि भाई इतना बाकी है, चलो इतना ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया ना। सर हमको मालूम है कितना कंप्लीट हो गया ना, मालूम है कितना है बाकी है। सबसे मुसीबत वो तो भाई, तो आदमी को रोना आ जाएगा वहाँ पे। हाँ छुटू छुटू है, चलो झरना देखो, दो दो झरना है, सब ऊपर ही रह गया। पता नहीं वो देख पाएगा कि नहीं हम लोग को उधर से। ब्रिज व्रिज तो कुछ दिखा मेरे को, कुछ तो दिखा, ब्रिज पोल दिखा, ब्लू ब्लू कलर का पिलर दिख रहा है। मस्त घर है। रूट ब्रिज दिस साइड डाउन डाउन ना। थैंक यू। वी गेट टैक्सी टू गो अप, वी गो बाय दिस स्टेप, देयर वी हैव अनदर रूट। वी गेट टैक्सी डाउन। चलो चलो नीचे जाके देखना पड़ेगा। रूट ब्रिज दिस साइड, थैंक यू। सेवन सिस्टर से देखे थे हम लोग, हाँ दूरबीन से, और इसी गांव में आ गए अभी हम लोग। अब फिर ऊपर चढ़ाई है भाई निहाल, ये तो अजीब चुतियापा है यार। अब तो अच्छा लग रहा है थोड़ा ऊपर चढ़ के यार। ओह ऊपर चढ़ के कितना अच्छा लग रहा है, सो रिलैक्स। आप लोग इस रास्ते से आ रहे हो या जा रहे हो? ओके आप यहीं रहते हो। ओके रूट ब्रिज इज दिस साइड। ओके यू डोंट नो, आप लोग नीचे से आए। ओके आपको नीचे टैक्सी मिला क्या? आप लोग आए कैसे नीचे? वो तो टेंपल ट्रैवल ना। हम लोग ऊपर से उतर यहां से ही नीचे है। आप लोग रूट ब्रिज देख लीजिए क्या? रेनबो अभी जाएंगे। रूट ब्रिज किधर है वो मुझे भी नहीं आपको नहीं तो पता। दादा रूट ब्रिज है दिस साइड। हां ओके थैंक यू। केव यहां पे नहीं है और है तो सही है चेरापुंजी में। नहीं ये केव तो उधर मामासाई केव है। हां मसोमाई केव तो चल ही रहा है नेट पे। ये है नेचुरल डबल डेकल ब्रिज। डबल डेकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ नीचे एक ब्रिज है और ये ऊपर एक है। तो आई एम गोइंग वॉकिंग थ्रू दिस। ये इसके रूट से ही खुद बना हुआ है।
निहाल निहाल फिर हम सीढ़ी से नीचे जाएंगे और दूसरे वाले डेक पे जाएंगे, नीचे वाले डेक पे। यहाँ आराम से नहा भी सकते हैं, दैट्स बिकॉज आदमी इतना नहीं ऊपर से नीचे आएगा थक के। नेचुरल ब्रिज है ये, मुझे नहीं लगता नेचुरल पूरा बना होगा, कैसे इसको शायद बनाया गया है ऐसा है क्या? आप भी मुजफ्फरपुर गोपालगंज से हैं क्या? बलिया से हैं? ओके, रामरूप रामरूप सर का घर से। मेरा अलार्म बज रहा है घड़ी में। So we are down here. छोटा सा झील है, नहा सकते हो आप इधर, इतना थक के आएगा आदमी तो नहाना चाहिए ना। जी नहीं, फिर किसको पता था कि यहाँ नीचे नहा सकते हो? मैं इसलिए उसको बोला कि तू शॉर्ट्स के लिए तू बिजनेस शुरू कर तो अच्छा होगा ना। So this is actually the double decker route bridge. Naturally ये bridge बना है, कम से कम हमने 5000 steps चल के आए हुए हैं हम। और काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे पानी होता है, तो आप थक के आके नीचे आराम से नहा सकते हो। So kindly bring all your stuffs like shorts and other things. और यहाँ पे आप fist massage ले सकते हो, आपको पता नहीं मेरे को दिख रहा है कि नहीं, बट there are लॉट ऑफ फिशेस हियर। नेचुरल तरीके से आप मसाज ले सकते हो। मैं लेके आता हूँ गोप्रो, लेके आता हूँ, मजा आएगा। दोनों पाँव डालो ना तुम। देखो मेरे पैर पे बिल्कुल बिल्कुल वही तो बोल रहा हूँ, मैं मॉल्स में होते हैं। नेचुरली करा रहे हैं फोगट में जो मॉल्स में। यह पहला डेक है वो रूट ब्रिज का, तो आप देख पाते हैं कितना घना और कैसा रूट खुद से जाके खुद से बना हुआ है ब्रिज। बट ये हमको लग रहा है नेचुरल है, बट आई थिंक इसमें कुछ मिलावट है, आई डोंट नो। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आराम से नहा सकते हो। दो डेक है, जिस नीचे वाला डेक और ये ऊपर वाला। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। निहाल फिश मसाज करा लिया फ्री का। हाँ बाइक तो मैं चलाएगा, पेधा चलाएगा और मैं चलाएगा, तुम बैठ। हेलो गाइस, अभी हम लोग रूट ब्रिज से ऊपर आ रहे हैं, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं। बहुत ही स्टीप है और इतना परेशानी है ना। रीज़न ये है कि हमको आने का, गाड़ी ऊपर है और दिवाकर भी ऊपर ही रह गया है, उसको हम लेके नहीं आए साथ में। और मैं और निहाल दोनों ही चढ़ रहे हैं। अब देखो
नीचे में अगर आपको एक कोई घर का बस्ती दिख रहा है वहाँ से हम चढ़ के आ रहे हैं ऊपर. इट्स वेरी ओह नो, क्या टायर्ड फील हो रहा है, बहुत ही बुरा हालत है. पानी भी अपने साथ नहीं है क्योंकि आप वज़न कैरी नहीं कर सकते. वज़न कैरी करोगे तो आप चढ़ नहीं पाओगे. हमने एक बॉटल लाया था वो हम खाली कर बैठे हैं और ह्यूमिडिटी काफ़ी, अभी हवा थोड़ा चल रहा है तो हम यहाँ रेस्ट ले रहे हैं. मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस रास्ते से नहीं आओगे, सामने एक और रास्ता है. गूगल मैप जो रास्ता दिखाएगा, देखना वहाँ पे कार पार्किंग है या नहीं, कुछ व्यू पॉइंट्स है कि नहीं. शॉर्टकट वाला नहीं आना, परेशान बहुत हो जाओगे आप लोग. ओके, मैं चढ़ता हूँ ऊपर, बाद में दिखाता हूँ आपको. चलो सी यू. देखो पहाड़ के बीचों बीच ये गांव है. यहाँ पे 17 घर है जो कुछ स्कीम में बनाया गया है. महात्मा गांधी कुछ तो था स्कीम, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. और पास में यहाँ स्कूल भी एक, देखिए कितना मस्त. यहाँ पे केले का पेड़ है, नीचे शुगर केन का पेड़ है और साइड में ही नींबू का पेड़ है. और यहाँ पे सुपारी का काफ़ी ज़्यादा पेड़ है. और ये है टी स्टॉल जो हमारे जर्नी के बीच में आते हुए मिला था और जाते हुए भी. वी आर कमिंग. योर नेम? पीतांबर बोरोहिणी. ओके, एंड दीज आर टू गाइड्स, आवर फ्रेंड्स हु आर एकॉम्पनिंग अस टू द टॉप जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. ये तो गुम हो गए. और कितने अच्छे से रहते हैं देखो, फूल वूल लगा के, और ये ब्रिज जैसा बना हुआ है और चिड़ियों का मस्त सा पूरा एकदम है. कितना खूबसूरत साउंड. वेर इज योर बर्ड? बर्ड बर्ड कितना खुश रहते हैं. मुर्गी पाला हुआ है इन्होंने, पूरा बागान बगीचा कितने अच्छे से. पानी बहुत चिल्ड है, पानी बहुत चिल्ड है. निहाल बोल रहा है थोड़ा थोड़ा हवा तो लग रहा है. हम लोग अभी हवा आया कितने देर के बाद, तब अच्छा फील हो रहा है. हम लोग जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं बिकॉज हमारा गाड़ी उधर है. हम दूसरे रास्ते जाते तो हमारे को गाड़ी मिलता कि नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता. तो हम लोगों वापस से मेहनत कर रहे हैं. दिख रहा है कैसा हालत हो गया अपना, पसीना पसीना पूरा. निहाल को देखिए कैसा हो गया पूरा. नहीं दिख रहा भाई. दिख रहा है? साला काली हो गया मैं. और अरे वो तो तुम हो ही. डंडा लेके जाना पड़ रहा है और काफ़ी पसीना पसीना हो गए हैं. गाइज अगर आपको ब्रिज, ये डबल डेकर रूट ब्रिज देखना है तो एक नौखालाई फॉल की तरफ से मत आना. दूसरे साइड, दूसरे पहाड़ की तरफ से एक रास्ता है, वो स्लोप में है. यू कैन कम फ्रॉम दैट साइड, इट्स बेटर. ये डंडा ही हमारा सहारा है अभी. चल भाई मेरे, पहुंचा दे ऊपर तक, पेधा तक. और ये ऐसे चढ़ाई है. कितना ऊपर से आ रहे हैं देखो. कैसे तो आ रहे हैं ना हम लोग भाई. चल सकते हैं, चलो मनोरंजन कर करके जाएंगे तो ठीक है. वो लोग गाइड लोग हैं, सोच लो. बिना रेलिंग कुछ भी नहीं है, सीढ़ी है बस कंक्रीट का, उसी पे हम लोग चल के जा रहे हैं. हेल ऑफ अ वर्कआउट. इतना वर्कआउट तो मैं कभी किया ही नहीं था अपने लाइफ में. देखो कैसा स्टीप है जो बोल रहे हैं. मोस्ट डेंजरस प्लेस इन दिस राइड. अब देखो ये सीढ़ी है, यहाँ चढ़ना है हमें. डैम
बोतल पकड़ेगा मैं एक दो ओके यू टेक द बॉटल हाँ नो प्रॉब्लम स्टिक स्टिक ही ब्रिंग नो प्रॉब्लम स्टिक दे दे एक थैंक यू ब्रो ये देख रहे हो आप चलो नीचे नहीं देखो नीचे नहीं देखो क्यों अब तो मेरा आदत सा हो गया नीचे देख के गाइस आपको शायद पता होगा कि सुबह हम इसी पॉइंट पे थे यहाँ से नीचे गांव दिखता है पूरा और मैं आपको दिखाने वाला हूँ हम लोग कहाँ गए थे और निहाल का हालत देखिए कैसा हालत में हम लोग हैं अभी देखिए टी शर्ट वी शर्ट खोल खाल के तो जैसे कि अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कि मेरे साथ दो गाइड हैं और इनसे मैं अभी पूछा कि हमें किस पॉइंट में जाना चाहिए था हमें एक्चुअली लुम्सोफी एग्जैक्टली लुम्सोफी हाँ व्हाट्स द नेम लुम्सोफी पॉइंट में जाना चाहिए था वहाँ से पार्किंग होगा और वहाँ से आप डबल डेकर रूट ब्रिज तक चल के आ सकते हो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है पर स्लोप है स्टीप नहीं है और हम जहाँ पे हैं मौलखिया हमने जो जगह ढूंढा था वो गूगल बाबा के थ्रू से मौलखिया से ढूंढा था और मौलखिया से रूट ब्रिज बहुत ही डेंजरस मतलब इट्स रियली डेंजरस मतलब ये रिकमेंड मैं नहीं करूँगा आप ऑलवेज जाओ लुम्सोफी से लुम्सोफी से आप रूट ब्रिज जा सकते हो और केबल ब्रिज भी है वहाँ पे रेनबो फॉल भी है कुछ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अदर थिंग्स आल्सो ओके सी यू